आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कटिहार जिला में जो डाइट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है उसमें DLED 2022 के लिए किस तरह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको कई सारे डिस्ट्रिक्ट कई सारे कॉलेज के बारे में वीडियो दिया हूँ, जिसको देखने के लिए आप यूट्यूब पर जीसान मॉनिटर यूट्यूब चैनल पर आएंगे। यहाँ पर प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जिसे प्ले लिस्ट पर क्लिक करें यहाँ पे देख सकते हैं बिहार DLED ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन अप्लाई। इस पर मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, हर जिला का हर कॉलेज का अलग अलग मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। यहाँ पे प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये DLED इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे DLED के रिलेटेड मेरे जितने वीडियो वो यहाँ पे आपको शो कर देंगे। पहले देख सकते हैं एक वीडियो यहाँ पे ओपन हो चुका है और DLED के जितने भी कॉलेज के मैंने वीडियो बनाए वो सारे आपको साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं डाइट मधेपुरा, PTS सुखासन, अररिया, पटना, मधेपुरा, इसी तरह मैंने जितने भी कॉलेज के इस वीडियो इस तरह के DLED अप्लाई के वीडियो बनाए वो प्ले लिस्ट से आप एक साथ सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए आप ज़रूर एक बार प्ले लिस्ट में आए जाकर आप DLED की इस सीरीज में सभी वीडियो में आपको इस प्लेलिस्ट में दे दिया हूँ, ताकि आपको वीडियो लिस्ट में ढूंढना ना पड़े। इसमें मैं सभी डिस्ट्रिक्ट सभी कॉलेज का वीडियो दिया हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कटिहार में किस तरह आवेदन डाइट कॉलेज में आवेदन कर सकते। कटिहार में जो वो कॉलेज है डाइट कॉलेज, वो टीकापट्टी में है। टीकापट्टी में आपको कटिहार में कॉलेज मिलेगा। कटिहार डिस्ट्रिक्ट हो गया, कॉलेज जो है वो टीकापट्टी में है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे किस तरह आवेदन करते हैं। उसके लिए मैंने आपको टीकापट्टी की इस डाइट कॉलेज की वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अब उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, या डाइट ब्राउजर में सर्च करेंगे डाइट टीकापट्टी कटिहार.in, तो इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे नीचे देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आवश्यक सूचना है कि जनरल ABC BC को आवेदन करने के लिए इंटर में कम से कम 50% मार्क रहना चाहिए। अगर SC ST दिव्यांग है तो 45% भी अगर उसकी इंटर में मार्क है तो वो आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्लोज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर में फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे यूजर नेम में आपका मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड में यहाँ में स्मॉल लेटर में वेलकम होगा। तो उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह आ गया। उसके बाद फिर से क्लोज करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, जो पासवर्ड हमें मिला था स्मॉल में वेलकम, तो वो पासवर्ड हम यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पासवर्ड दिए, साइन इन पर क्लिक किए, ये ओपन हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पर पुराना पासवर्ड मांगा, पुराना पासवर्ड हमारा था वेलकम, और यहाँ पर आपको नया पासवर्ड रखना होगा अपनी मनपसंद का, और उसी न्यू पासवर्ड को यहाँ पर आपको कन्फर्म करना होगा। ठीक है, उसी पासवर्ड को कन्फर्म कर दिए। उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक किए, यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड चेंज हो चुका, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आपको ये सारे स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एडुकेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सबसे पहले स्टेप को कम्प्लीट करेंगे, उसके लिए यहाँ पर क्लिकर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम देंगे, यहाँ पर मदर्स नेम देंगे, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका जो मैटर स्टेटस, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आधार नंबर देंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस दे देंगे, सिटी देंगे, डिस्ट्रिक्ट देंगे, स्टेट देंगे, पिन कोड देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे डू पे क्लिक करेंगे, ये दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं। अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो यही व्हाट्सअप नंबर को आप इस बॉक्स में भी इंटर कर सकते हैं, अगर यही व्हाट्सअप नंबर है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको धर्म सेलेक्ट करना होगा, आप किस धर्म से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट, उसके बाद कैटेगरी आपको देना होगा, जनरल ABC जिस भी कैटेगरी से आप थे वो देंगे। उसके बाद यहाँ कर स्टूडेंट क्या कर रहे, स्टूडेंट हैं या पढ़ाई प्राइवेट जॉब है या सेल्फ एम्प्लॉयड, वो क्या कर रहे वो देंगे। उनकी फैमिली के जो सालाना इनकम वो देंगे, उनके फादर जो गार्जियन है वो क्या करते हैं, गार्जियन की इनकम और गार्जियन क्या करते वो देंगे। अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो किस टाइप के वो सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, अगर है तो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कितने परसेंट वो यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, जिसमें आपको आरक्षण मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज वाल पे क्लिक करेंगे, फोटो अपलोड कर देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ये सारी डिटेल देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूरी चीज़ यहाँ पे आपको फिर से दिखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे EWS में यस करते हैं तो EWS के सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, अन्यथा आप इसे नो कर सकते हैं।
उसके बाद ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ही आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने एजुकेशन की डिटेल देना हो, सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल देनी हो, मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। मैट्रिक में यहाँ पे सभी सब्जेक्ट रहता है तो ऑल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक की पासिंग ईयर, मैट्रिक का पास केस वो देंगे, मैट्रिक जो किए थे वो किस बोर्ड से किए थे, मैट्रिक किस कॉलेज स्कूल से किए थे वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद मैट्रिक जो दिए थे आप जिस बोर्ड से दिए तो उस बोर्ड में मार्क विशेष था या ग्रेड तो वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बिहार बोर्ड मार्क विशेष तो मार्क को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फुल मार्क कितने का एग्जाम हुआ तो वो देंगे, फुल मार्क में कितने मार्क आया वो देंगे। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह आपका परसेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट टेंथ की अपलोड करनी होगी जिसकी केवी 1 MB से कम होनी चाहिए। उसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ये मार्क्स डिटेल सेव हो चुका, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। नीचे में देख सकते हैं मैट्रिक की मार्क डिटेल ये सेव हो चुके। इसी तरह आप इंटर की करेंगे। यहाँ क्वालिफिकेशन में आपको 12th को सिलेक्ट करना है, 12th साइंस से थे या आर्ट्स से थे वो सिलेक्ट करेंगे। 12th के पासिंग ईयर क्या वो आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे 12 जो किए वो कौन सी बोर्ड से किए, 12 जो किए थे कॉलेज विद्यालय का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स विशेष आ जाएगा। उसके बाद कितने मार्क आपको, कितने मार्क एग्जाम था वो देंगे और कितने मार्क आपको आया वो यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे मार्क देंगे तो यहाँ पे देख सकते हो परसेंट आ चुका। उसके बाद इसकी जो 12th की मार्कशीट है उसको चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, सीट को अपलोड करेंगे। उसके बाद ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते सेव हो चुका, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते मैट्रिक एंट्री की डिटेल सेव हो चुकी है। और यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस फाइल जो अपलोड किया उसको देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, तो खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर नहीं है जाति प्रमाण पत्र तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर हैं तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कम से कम एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी होता है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो EWS अपलोड कर सकते हैं। जब तक ये इसमें से दो में से एक सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कीजिएगा तब तक ये सबमिट नहीं लेगा। इस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को। यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जो डिटेल आपने फिलअप किया वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, इसको चेक कर लेंगे और यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेनो पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए पेमेंट अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सभी स्टेटस में टिक मार्क लग चुका, हमारा फॉर्म कम्प्लीट हो चुका, अब सिर्फ पेमेंट पेंडिंग। पेमेंट कम्प्लीट करने के लिए स्टूडेंट कोर्स अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक कर पे क्लिक करेंगे। फिर से वही फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपने फिलअप किया था। उसके बाद यहाँ पेन ओ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से, फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फ़ोनपे से पेमेंट करेंगे तो 160 रुपये लगेंगे। 160 रुपये क्या चीज़ के लग रहे उसके लिए प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देख सकते 100 रुपये चार्ज और 60 रुपये इनका ट्रांजेक्शन चार्ज है। 160 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन पे नंबर देके लोग सेंड OTP पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे शॉप QR कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे QR कोड एक जेनरेट हो जाएगी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं इस टाइम के अंदर। तो जब आप पेमेंट आपको सक्सेस हो जाएगा तो आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। तो उसके बाद आपका जो एक डीलेट 2022 के लिए कटिहार से आवेदन अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपको सीखा किस तरह टिक्का पट्टी कटिहार से DLED के लिए अप्लाई कर सकते हैं।